मेरा गांव मेरा देश उत्तर प्रदेश सीरीज शुरू हो रही है। आज है एपिसोड 1 और ये है मेरी बाइसिकल मेरिडा TFS 600। मैं निकला हूँ चंडीगढ़ से अपने रिलेटिव्स के गांव और ये जर्नी है मेरा गांव मेरा देश, जहां पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव की सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसा है हमारा देश और कैसे हैं हमारे गाँव। तो चलिए शुरू करते हैं। पंद्रह सालों के बाद मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है चंडीगढ़ से जो मैं साइकिल पर पूरा करता हूँ। लास्ट टाइम 2005 या 2006 में मैं आखिरी बार अपने गांव या अपने रिश्तेदारों के गांव गया था। अब 15 साल के बाद मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ जिसका टाइटल रहेगा मेरा गाँव मेरा देश। तो मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे गाँव आपको दिखाऊँगा अपनी इस सीरीज़ में, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि जब हम बोलते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, किस तरह का देश है हमारा गांव में, किस तरह का देश बसता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी इस सीरीज़ में। तो ये करीब 4 दिन का है मेरा साइकिलिंग का ट्रिप। पहला दिन है आज 200 किलोमीटर दूर मैं जाऊंगा अपने मामा जी के गांव जिसका नाम है गरुड़ा पांडा, और वहां से फिर कुछ और गांव अपने रिश्तेदारों के घर जाऊंगा। आपको मौका मिलने वाला है देखने का गांव की ज़िंदगी को, वहां के लोगों की ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से। मैं कोशिश करूँगा एक कंपेरिजन करके बताऊँ कि पहले वहाँ क्या होता था और अब वहाँ पर क्या है, किस तरह की है। चलिए देखते हैं। अभी तक मैं करीब करीब 50 किलोमीटर चल चुका हूँ, 150 किलोमीटर के आसपास अभी और जाना है। टाइम हुआ है 11 बजे। करीब 1 घंटे चलने के बाद जब भूख लगी तो मैं घर के बने हुए पराठे बैठकर सड़क के किनारे पर खाए। एक पराठा खा लिया है, बाकी रास्ते के लिए बचा के रखें। 4 पराठे हैं मेरे पास। कोशिश करूँगा कि कोरोना के टाइम पर मैं बाहर का खाना ना खाऊं। पैकिंग हो गई है, अब वापस चलने का टाइम है। मैं निकला था चंडीगढ़ से 8:20 के आसपास, तो इतनी देर में 3 घंटे ही हुए हैं। एवरेज 20 की स्पीड से मैंने 60 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी तक, और यहाँ से सहारनपुर मुझे जाना होगा ऑलमोस्ट 92 और 93 किलोमीटर मोर। अचानक हो गया अब साइकिल में पंचर, अब क्या करूँ। लो जी, जब लाके साइकिल खड़ी की थी तो सब सही था, अब उठा के चला तो हवा निकल चुकी है, एकदम खाली है टायर। यहाँ ना ही रुकता तो अच्छा रहता यार, तो हद हो गई। पता नहीं हुआ क्या है, खड़े खड़े हवा निकल गई और सारी हवा निकल गई, जीरो कुछ भी नहीं है अंदर। मैं पंचर किट लाया नहीं था, मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसी हाईवे पे भी पंचर हो सकता है। सब कुछ था मेरे पास, और मेरे ख्याल ये पहली बार हुआ होगा कि मैं पंचर किट ले करके नहीं। एक ऑटो वाला आ रहा था, हाथ दिया भाई साहब ने, रुकने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इस हिसाब से तो पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा खासा चल रहा था, मैं रुक गया बस। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अंदर जा कर के थोड़ा शहजादपुर जो है वहाँ जा के देखता हूँ कि अगर कोई साइकिल पंचर की दुकान हो तो शायद बात बन जाए। ये देखिए इस तरह का है रास्ता, और मुझे इस रास्ते पे 1 किलोमीटर चल के वहाँ तक जाना है। हो सकता था कि हाईवे पे लिफ्ट मिल जाती, पर अभी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जा रहा है ये, और एक रास्ता जा रहा है पीछे। नाका बोला था, क्या बोला था देखना पड़ेगा। साइकिल पंचर की दुकान इधर है कि इधर है? साइकिल पंचर लगवाना इधर ही आगे है, 1 किलोमीटर चल के जाना है तब जाके पंचर लगेगा। अभी आगे भी तो हो सकता है यार, ये रात रात को कुछ हो गया तो। साइकिल पंचर वाले की दुकान का है इस तरफ, अच्छा पूछ लो। पंचर लगाने वाले की दुकान का अंदर जाके, दूर है क्या, पास में ही। पंचर लगवा दो, पंचर लगाना है पिछले टाइम। पंचर बुलाऊंगे जो मैं।
दो अपनी वीट। एक बार फिर से चेक कर लो भर के, कोई और पंचर ना हो ना। इसके अंदर फिता तो ध्यान दो, मैं नहीं फिता होता है इसमें, इसमें तो फिता नहीं होता, ऐसे ही रहता है। तो देख लो फिता डालना है तो डालो, एक बार दोबारा हवा भर के देख लो कोई और पंचर ना हो। फिता डालने डाल दो अगर लग रहा है जरूरी है तो। थैंक यू। कितना हो गया फिता भी तो डाला? लग गया पंचर और करीब करीब डेढ़ घंटा मेरा ख़राब हुआ है। अब डेढ़ घंटे का कंपनसेशन कैसे होगा ये नहीं पता। शेड्यूल से डेढ़ घंटा पीछे है, 200 किलोमीटर जाना था, अभी 50 आया हूँ। देखो ये टाइम हो गया, डेढ़ बज गया, मतलब रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। मेरे को सहारनपुर से करीब 50-60 किलोमीटर आगे निकलना है। घुमाने के बाद मैं फुल स्पीड से निकल चला रास्ते पर आगे की तरफ। किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने और एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी और भी एडवेंचरस ट्रिप लेकर के आते रहें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इतनी जल्दी में था कि जब भूख लगी, लंच टाइम हुआ, तो मैंने पराठे भी साइकिल पर चलते चलते ही खाए। अब मैं पहुँच चुका हूँ अम्बाला के आगे मिलाना। टाइम लगी क्यों? लो जी, टी ब्रेक के लिए रुका हूँ। मलाना इस जगह का नाम है और याद है मुझे, मैं बहुत पहले यहाँ आया करता था। मलाना से निकल के यमुनानगर से होता हुआ सहारनपुर क्रॉस कर चुका हूँ मैं। शाम के 5:06 हो चुके हैं और अभी मैं करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ सहारनपुर से। चौड़ी पकड़ के चलने के चक्कर में मैं सहारनपुर की तरफ टर्न लेना भूल गया और सहारनपुर बाईपास होता हुआ आगे निकल गया। गूगल मैप ने बताया मैं अपने रूट से आगे निकल आया हूँ और मैंने गलत टर्न ले लिया है। मैं थोड़ा आगे निकल आया लगता है, ऐसा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, अभी गूगल मैप भी बता नहीं रहा है ठीक से। एक तो वैसे ही लेट हूँ, ऊपर से मुझे नेविगेट पहले करना चाहिए था। आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न। कई बार ऊपर वाला कुछ और प्लान करके रखता है आपके लिए, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सहारनपुर जाना था, वहाँ से फिर मुझे बढ़ाव और मेरे लेना था, लेकिन वहाँ लेके वो था प्लान। तो कहते हैं ना डेस्टिनी आपको अपने हिसाब से लेकर चलती है, तो सहारनपुर बाईपास पर चलते हुए लेफ्ट टर्न करके सहारनपुर सिटी में मुझे एंटर करना था, वो मुझे नहीं पता चला और मैं सीधा सहारनपुर बाईपास पर रुड़की की तरफ चलता चला गया। एक टाइम आया जब मुझे रिलाइज हुआ कि मैं ज़्यादा आगे निकल आया हूँ, सहारनपुर पीछे रह गया है। अब मुझे वापस यू टर्न लेके सहारनपुर पहुँचना था, यानी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना था। तभी मुझे ख्याल आया कि ये वो रोड है जो मेरे गांव के पास पहुँचती, मेरा खुद का नेटिव विलेज सड़क थी जहाँ मैं पैदा हुआ। तो अब मैं मामा जी के घर में जा कर के सरकड़ी के पास में हमारे एक रिलेटिव हैं, गांव का नाम डंगेड़ा है, मैं उनके घर पर जा रहा हूँ और रात में जाके उन्हें बॉदर ना करूँ इसलिए माँ के दिए हुए ध्यान मैं सुख चाय के साथ एक ढाबे पर बैठ करके खा रहा हूँ। तो मैं बस हमेशा ये सोच के रखता हूँ कि जो होता है के लिए होता है और ये डेस्टिनी आपके लिए चीज़ें प्लान करके दी और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो गया। तो अभी 12 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है यहाँ से, पहले मैं सिटी जाऊँगा, सिटी से लगेगा तो मोस्ट प्रोबेबली पहुँचते मुझे 8 बज जाएंगे। चलो माँ के बनाए पाठे खाते हैं चाय के साथ।
और कल सुबह रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि रात में मुझे पता नहीं कि वहाँ पहुँचते थे लाइट होगी या नहीं होगी, मेरे लिए जितनी लाइट होती है। अंधेरा है यहाँ, शोर नहीं कि आप क्या देख पाएंगे। और मैं सिर भी पहुँच गया हूँ, जब मैं छोटा था तो बहुत बार यहाँ आया करता था। ये रोड है जो जबरेडा और मेरे नेटिव प्लेस वहाँ जाएंगे। ये है वो रास्ता। रात के अंधेरे में चलते चलते पता ही नहीं चला कि मैं गलत गांव की तरफ चला गया हूँ। कालीचरण प्रधान जी का घर कौन सा है? घेर। कालीचरण प्रधान जी का घेर कौन सा? घेर गुजरों में पूछ रहे हैं भाई। हाँ हाँ, गुजरों में क्या ये पूछ रहे? इसको पता नहीं है, दुकान वाला है कोई। बात लो, बात करा था ये, जरा बात करना है। डंगेड़ा है ना? डंगेड़ा नहीं है भाई। अच्छा हेलो भाई, मैं दूसरे गांव में पहुंचा हुआ हूँ। अगला गांव डंगेड़ा ही है, तो सुन लो लो बात कर लो एक बार। हाँ मैं डंगेड़ा ही जानता हूँ। ये डंगेड़ा नहीं है? अच्छा जी, इसके आगे है। वापस अलग से जाओ ना फिर। अच्छा यहीं से निकल जाए। ओके, कालीचरण प्रधान का घेर करा इधर से। हेलो सर, दिख गए आप मेरे को। और इस बार कैसे आप सब? इस तरह से हुआ मेरा पहले दिन का सफर यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है अगले एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको घुमाऊंगा इस गांव में और अपने बर्थ विलेज यानी नेटिव विलेज में भी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।